अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने गले का डिज़ाइन तैयार किया है जिसमें हमने गोल गले के साथ वी कट दिया है, ठीक है, और ऊपर हमने इसका बॉर्डर लगाया है। एक हमने लूप्स बटन लगाया है, बाकी हमने यहाँ पे बटन लगा दिए। चलिए शुरू करते हैं गले का डिज़ाइन हमने किस तरह तैयार किया है। ये हमने बुकरम डबल की हुई है, ठीक है, हम ये वाला गला बनाएंगे आज, सेम यही गला बनाएंगे। ऊपर से हम इसे 4.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। आप अपने गले के हिसाब से जितना भी निशान आपको लगाना हो, जितना आप पहनते हैं फैलाओ उसका, उसी हिसाब से निशान लगाइएगा। मैं 4.25 इंच पे इसका निशान लगा रहा हूँ, और यहाँ से एक निशान मैं 3.5 इंच पे लगा रहा हूँ, एक निशान 7 इंच पे लगा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसे शेप दे दूंगा। और यहाँ से हमें वी नहीं बनाना बिल्कुल ना, जिस तरह मैंने पिक्चर में आपको दिखाया वी नहीं बना हुआ, यहाँ से बिल्कुल हल्का सा हम शेप दे देते हैं ताकि हमारी सिलाई लगाने की जगह बन जाए यहाँ पे। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये देखें गले की मैंने कटिंग कर ली, इसे कपड़े पे चिपका देंगे। उसके बाद हमारा ये बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर की देखें, ये पूरा बॉर्डर शो नहीं हो रहा है इसमें, जो है ना ये ब्लैक वाले जो हमारे बीच का डिज़ाइन आ रहा है ये चीज़ शो हो रही है, ठीक है। मैं आपको प्रेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसे मोड़ लेंगे इस तरह। इसमें मैंने जीरो की बुकरम भी लगाई हुई है, ठीक है। यहां से भी इसी तरह मोड़ लेंगे। प्रिंट वाली पट्टी में हमें नापने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें हमारी चौड़ाई कितनी आ रही है, मतलब कम ज्यादा तो नहीं हो रही, कहीं से कम और कहीं से ज्यादा, क्योंकि इसमें प्रिंट हुआ होता है, प्रिंट के हिसाब से इसे मोड़ना होता है। ये देखिए इसी तरह से हम पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने पट्टी तैयार कर ली पूरी, और गला भी मैंने कपड़े पे चिपका लिया, ठीक है। और ये एक हमारे पास लूप्स डोरी है, अभी से हम मशीन पे तैयार करेंगे। ये हमारा फ्रंट है, गले का हम सेंटर कर लेंगे पहले। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे हम इसे, और नीचे से भी, ठीक है। यहाँ से पूरी हम इसे सिलाई नहीं लगाएंगे पहले, पहले हमें इस वी से सिलाई लगानी है, इस नोक से, नोक से सिलाई लगा के यहाँ नोक पे पक्का कर देना है हमें। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखें जो बॉर्डर हमने तैयार किया था, ये हमारे पास बॉर्डर है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे इस तरह रखेंगे, यहाँ पे एक लूप्स फंसा लेंगे हम, ये इस तरह आ जाएगा हमारा लूप्स। ये जो नोक आ रही है ना, इस नोक बिल्कुल नोक से हमने सिलाई लगाई थी, ठीक है, तो इसी सिलाई के बिल्कुल बराबर में हम इस तरह रखेंगे एक लूप्स अपना, और यहाँ से हम इसे बॉर्डर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकाल लेंगे, और इसे यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम इसे सेंटर करते हुए आ जाएंगे बॉर्डर को, ठीक है, दूसरी साइड से भी इसी तरह घुमा लेंगे। अब देखिए हमें 17 इंच तक ये पट्टी लानी है नीचे, ठीक है, यहाँ ऊपर से हम इसे नापेंगे, ये 17 इंच ही आ रही है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हम इसे नोक बना लेंगे, नोक भी बना सकते हैं आप, चकोर भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये जैसे कि नोक बना लिया, हमें चकोर करना है तो आप इस तरह मोड़ सकते हैं इसे, तो हम तो इसमें नोक बनाएंगे, ठीक है, इस तरह नोक बना लेंगे।
ये देखो मैंने पट्टी लगा ली, मैंने ये वाली भी सिलाई लगा ली, उसके बाद मैंने दूसरी वाली सिलाई भी लगा ली इसके पीछे साइड वाली। ठीक है, अब देखें हमें गले को इस तरह सेट करना है, इस तरह आ जाएगा हमारा गला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लुप से कड़क लुप से, तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आपको यहाँ पे नोक सेट करनी है इस तरह। यहाँ पे इस तरह रख के आप सिलाई लगा लेंगे, इस साइड पे भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद कटिंग करके इसे पलट लेंगे, तुरपाई कर लेंगे। ये देखें गले पे मैंने सिलाई लगा ली, सिलाई लगाने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद पलट के मैंने तुरपाई कर ली इस पे। ठीक है, ये हमारे पास बटन है, 12 बटन है हमारे पास, एक बटन हमें यहाँ पे लगाना है, बाकी 11 बटन हमें यहाँ करीब लगाने हैं, करीब करीब। ठीक है, ये मैंने बटन टाक लिए है। ठीक है, एक बटन मैंने ऊपर टाका है, बाकी 11 बटन हमने नीचे टाके हैं। अब देखें ये गैप हमें जब पहनेंगे ना, तो ये गैप इस तरह आ जाएगा जिस तरह हमारा पिक्चर में आ रहा है। ठीक है, पहनने के बाद आप इसे बंद भी कर सकते हैं, खुला भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, जिस तरह रखना चाहें। ये हमारा गला तैयार हो गया।